ओ ओ ले 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 ओ ले 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 अच्छा ओ मेरा बच्चा ओ मेरा बच्चा गाइस हंसने लग गया मेरा बच्चा शाबाश मेरा बच्चा गाइस ये है एक रोबोट का बच्चा ये क्या है और आप देखो कि ये कितना क्यूट है गाइस छोटा सा रोबोट का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और यहाँ पर है इसके बड़े भाई बहन तो गाइस इसको रखते हैं यहाँ पे और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको सच्ची मुच्ची के असली वाले जो रोबोट हैं वो दिखाने वाले जो कि यहाँ पर और गाइस ये जो रोबोट है ना ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है ये जो रोबोट्स हैं ये एक्चुअली में फंक्शनल है ये रोबोट्स काम करते हैं आप देखो एक बार असली में जो है इंसान जैसा रोबोट लगता है ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं लेकिन इस वीडियो में आपको इन रोबोट्स के अलावा बाकी रोबोट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि ह्यूमनॉइड नहीं होके बाकी काम करने वाले भी होंगे जिनको मल्टीपर्पज़ रोबोट्स आप बोल सकते हो जो अलग अलग तरीके काम कर सकते हैं ये तो इंसान के जैसे दिखते हैं इनको ह्यूमनॉइड बोलते हैं गाइस और जो नहीं दिखते वो नॉर्मल रोबोट्स होते हैं यकीन मानिए ये जो रोबोट्स हैं ना बहुत ही कमाल की चीज़ कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगी और वीडियो को भाई शुरू से लेकर एंड तक गाइस देख लेना जिधर से भी जिधर तक शुरू से एंड तक पूरा देखना ठीक है और वीडियो के लिए गाइस लाइक का जो बटन है वो जरूर से दबा देना तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों ये है चिंकी ये है मिंकी और ये है पिंकी और ये है इनका बच्चा जिसका नाम है बच्चू गाइस ये सब मजाक की बात है ये जो रोबोट्स हैं इनके असली नाम नहीं है लेकिन आप इनको बोल सकते हैं इस वीडियो के लिए वैसे इन रोबोट्स का जो नाम है वो है गाइस सोना ये जो है तीनों ही सोना है कोई सोना ढाई है कोई सोना साढ़े तीन है मतलब देखो ये सोना ढाई है ना वो ये सोना साढ़े तीन है वो सोना ढाई है ये जो है ये सोना ये आधा सोना है अरे ये आधा सोना है क्योंकि ये छोटा सोना है ना 0.5 सोना है तो इन रोबोट्स का नाम ऐसे सोना है और ये इनके अलग अलग वर्जन्स है बेसिकली तो आप पहले तो ये देखो गाइस इनकी जो शेप है वो कैसी है देखो एकदम इंसान के जैसा इनको स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी गई है इनके एक प्रॉपर सर है इनकी आंखें और मुंह है जो कि अभी नहीं दिख रहे क्योंकि हमने इनको धूप में रख दिया वो दिखता है इस पूरे इसमें से ठीक है यहाँ पर आपको आंखें मुंह सब कुछ दिखेगा इनकी जो बॉडी है वो एक इंसान के जैसी है इनके दो हाथ भी हैं हाथ में ट्रे पकड़ी हुई है जो कि कई काम करती है कोई चीज़ ला के किसी को दे सकती है वो आपको सब कुछ करवा के दिखाएंगे मज़ा तो उसी में आएगा लेकिन आपको बता तो दूँ पहले यहाँ पर पूरा नीचे बॉडी है और इसने गाइस ये जो है हमारे जो राजस्थान में पहनते हैं घाघरा वगैरह वो इसने पहना हुआ है ये बच्चा है बच्चा नहीं है गाइस ये भी अपने आप में पूरा रोबोट है लेकिन ये छोटे काम करने के लिए है तो क्या किया इसने इसका गाइस ये मैंने थोड़ा ढीला कर दिया है और ये वाले जो है बड़ा काम करने के लिए तो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे लेकिन उससे पहले गाइस चलते हैं कुछ ऐसे रोबोट्स के ऊपर जो कि अलग तरीके से काम करते हैं ये तो ह्यूमनॉइड हैं ये तो इंसान वाले रोबोट हैं जो बिना इंसान वाले रोबोट्स हैं जो कि बहुत काम के होते हैं वो आपको पहले दिखाते हैं उसके बाद में इन पर आएंगे इनसे बातचीत करेंगे इनके साथ में गप्पे शप्पे मारेंगे पहले वहाँ चलते हैं ओए ये मेरी बात सुनो सारे रोबोटो सोना मोना चिंकी पिंकी ये सारे लोग तुम्हारे कान भर रहे हैं ठीक है इनकी बातों में बिल्कुल मत आना तुम इतने समझदार हो इनकी बातों में मत आना किसी की भी बात ये भाई इनके कान भरने लग गए आते ही इनको बहकाने लग गए बच्चे अभी तो छोटा है ठीक है अभी कुछ भी गलत मत समझना ठीक है इनकी बातें इनको ध्यान ही मत देना वो तो बहकाले वो तो उठा ले गया उसको दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगी मुझसे शादी करोगी तुझे भाई जितनी कुछ करना है नहीं करना
अभी तो बच्चा है, कल को बड़ा होगा, क्या करेगा कल जाके? हैं इनको देख, इनको ऐसे ऐसे घूमते रहेगा खुले में? इनको देख, इनको इनको हाँ, ये बड़े हो गए, बड़े हो गए, रे उठा रखे हैं, फिर भी ऐसे घूमते रहते तुम्हारे। अरे इसने उठा रखी है, इसने भी उठा रखी है, छोड़ दे अभी भी टाइम है, खानदानी काम कर रहा है। हां वही तो, नो नो नो। दोस्तों हमारा जो अगला रोबोट है वो है यहां पर। और आप देखो इस रोबोट में गाइस दो यहां पर आंखें हैं, और आप इसकी शेप देखो एक बार इधर गाइस, अगर आप इसको यहां से देखोगे बीच से, तो बीच में जगह खाली है। और अक्सर ऐसा व्हीकल आपने देखा नहीं होगा जो कि बीच में से होलो हो, यानी कि खोखला हो, जिसमें आर पार जो है जगह हो। यहां पर देखो, यहां पर गाइस इसमें लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, और ये जो सोलर पैनल्स है ये काफी हाई एफिशिएंसी के हैं, जो कि इसको एनर्जी देते हैं, यानी कि ये जो रोबोट है इसको चार्ज करने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस रोबोट को चार्ज जो है सोलर पैनल से कर देंगे। सामने जो है यहाँ पर आओ, अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। यह है इसका कंसोल, इसको जब खोलते हैं तो यहाँ से इसको ऑपरेट करने का जो है सारा जुगाड़ है, ये यहाँ पर रुक जाता है गाइस। यहाँ पर मेरे पास में एक और दो स्टिक्स हैं, जिसमें कि ऑन ऑफ के कुछ बटन से इससे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये कंट्रोलर, इसका यूज आपको अभी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये गड्ढा है, ये एक मैन होल है यहाँ पर, और कई बार ऐसा होता है कि इन गड्ढों के अंदर कोई चीज गिर जाती है और उसको निकालने के लिए इंसान को घुसना पड़ता है, तो वो गंदा हो जाता है। साथ ही साथ में अगर इसमें कोई जहरीली गैस वगैरह हो तो वो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, डेथ भी हो जाती है। तो ये रोबोट देखना किस तरीके से इसके अंदर की चीजों को निकालेगा। ले आओ ले आओ ले आओ, चलो चलो चलो, मारो धक्का मारो, धक्का 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 धक्का, बस नहीं सही नहीं आया अभी, इसको हाँ सेंटर में लेके आओ, बस हो गया काम, ओट लगा दो। गाइस हमारे इधर इसको ओट बोलते हैं, जो रोकने का होता है। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो गड्ढे को खोल लेते हैं, और अब जो है इसको ऑपरेट करते हैं। देखो इधर आओ, देखो गड्ढे के अंदर हमने एक चीज़ डाली हुई है, यहाँ पर कुछ पॉलीथीन वगैरह है, यहाँ पर ये जो है पन्नी वगैरह कुछ जो है इसके अंदर गिरी हुई है, और हमें इसको निकालना है इस रोबोट की मदद से। तो अब जो है इसको गाइस मैं ऑपरेट करता हूँ, उस साइड से ऑपरेट होगा ये, यहाँ से ये जो पूरा सिस्टम है ये इस रिमोट से ऑपरेट होता है। ये जो हिस्सा है ना ये खुलता और बंद होता है, जैसे हमारी मुट्ठी खुलती बंद होती है ना, देखना गाइस इसको मैं खोलूँ, ये देखो गाइस ये खुल गया, अगर बंद करना है ये बंद हो गया, ये खुल गया ये बंद हो गया, रिमोट से हो रहा है ये। और अगर इसको नीचे लाना है मुझे, दबाइए बटन, नीचे लाओ, अब ये नीचे जा रहा है, और ये नीचे जाके सामान को उठा लेगा इसकी मदद से। जाने दो नीचे, और यहाँ पर किसी इंसान को नीचे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रोबोट जा रहा है नीचे। पकड़ लूँ? ठीक है भाई, मैं उस चीज को पकड़ रहा हूँ, आ गया, खींच ले ऊपर। गाइस रोबोट ने पकड़ लिया सामान को और अब ऊपर आ रहा है। और गाइस यहाँ पर एक स्क्रीन भी है जिसमें नीचे क्या हो रहा है उसका व्यू दिखता है, जो गड्ढा है उसके अंदर से जो भी चीज निकाली जा रही है उसका व्यू दिखता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारी जो मशीन है वो नीचे जा चुकी है, और यहाँ पर इसने चीज को पकड़ा हुआ है फिलहाल। अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो आप लोग देखो, मुझे उठाइयो, तो देखो अब हम इसको खींच के निकाल रहे हैं बाहर। खींचो, देखते हैं कि हाथ में आया या नहीं आया इसके। ये आ गया गाइस, यहाँ पर जो कचरा है वो इसने खींच के निकाल दिया आप लोगों के सामने, बस रोक लो, जो कचरा है गाइस वो निकाल दिया इसने बाहर बिना किसी इंसान के गए हुए। और अच्छी बात ये है कि अगर ये 20 फीट 50 फीट कितना भी गहरा होता, इसके नीचे से ये सामान को निकाल सकता था। किसी भी, अगर मान लो कि कोई कुत्ते का बच्चा, कोई पपी गिर गया है, या किसी का कुछ सामान गिर गया है, या कुछ कचरा फंस गया है कहीं पर, तो इंसान को जाने की जरूरत नहीं है, सेफली उसको ये रोबोट निकाल सकता है। अच्छी चीज़ है गाइस, इसके लिए बनता है लाइक का जो बटन है वो ज़रूर से दबाना। दोस्तों ये है हमारे अगले रोबोट का रिमोट कंट्रोल, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप लोग रिमोट वाला रोबोट देखना चाह रहे होंगे, जो कि है यहाँ पर। और ये जो रोबोट है गाइस ये काफी मल्टीपर्पज काम करता है। अभी ये जो है फिलहाल पेड़ों में पानी देने के लिए बना हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ वो करके, लेकिन ये जो है आग बुझाने के काम के लिए वैसे बना हुआ है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बैटरी से चलता है। आपको मैं इसको चला के दिखाता हूँ, और पेड़ों में पानी देके भी जो है दिखाता हूँ गाइस, इसको जो है हम लोग कैसे भी करके चला सकते हैं। अब इन पेड़ों में पानी देते हैं इसे, देखो ये गाइस पानी जो है इसमें चल चुका है, और अगर पानी को ऊपर मारना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, नीचे मारना ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल भाई इसमें मस्त नाओ, धो कपड़े धो, कुछ भी करो। मोहित 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 इस चीज के लिए नहीं है ये, सुन ये सीवेज को पानी सारो यार,
ये ट्रीटमेंट प्लांट से क्लीन होके आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गंदा ही था, इसको साफ किया गया है। साफ ना? हाँ ले भाई, सारे पेड़ों में पानी दे दूंगा मैं आज। बाई, बाई, बाई। ओ भाई बचा, कैमरा बचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कैमरा बचाना। गाइस, हमने रोबोट का जो पानी वाला सिस्टम था वो खोल लिया है और अब ये जो है एक बढ़िया वाला ऑफ रोड व्हीकल बन चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी में, पत्थरों के बीच में भी ये चल सकता है, क्योंकि इसमें ये बेल्ट है यहाँ पर और इसमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावर है। दो लोग इस पे बैठे थे और अभी, हाँ बढ़िया हट गए। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको बढ़िया से भगा के। ये देखो भाई साहब, ओ भाई भाई साहब ऐसे देखो कैसे भागता है, कैसे भागता है, कितना मस्त तरीके से भागता रहता है, वाह। तो गाइस अब मैं अपनी जान का रिस्क लेके इसके ऊपर बैठ रहा हूँ। ओए अरे रुक जा, चलो। तो गाइस यहाँ पर हम एक रोबोट की राइड ले रहे हैं जो कि रिमोट से चल रहा है, और आप इसको एक बड़ी रिमोट कंट्रोल कार भी कह सकते हैं। और इसकी पावर मुझे फील हो रही है भाई, और झटके भी फील हो रहे हैं साथ ही साथ में। अब गाइस यहाँ पर बबलू कोशिश करेगा रोकने की, रोक भाई, और हम चार लोग इस पे बैठे हैं। उतरी उतरी उतरी, ओए ओए वो रुक नहीं रहा, वो खुद ही नहीं रुक रहा, वो कैसे फिसल रहा है भाई, पावर की पावर क्या है यार। ओए अब चलो गाइस, अब आपको दिखाते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि इंसान की तरह बिहेव करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जो है उनके सारे फंक्शन आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम वापस से आ चुके हैं हमारी चिंकी के पास में, जिसका नाम है सोना, और आप इसको कैसे भी टच कर लो, इसको कोई बुरा भी नहीं लगता गाइस, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आई लव यू सोना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोना। सोना नहीं गाइस, सॉरी, चिंकी विंकी जो भी है। तो गाइस अब इससे बातचीतें करते हैं। देखो इसको मैंने इतना कुछ कह लिया लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। अब गाइस रोबोट से मैं आपको बातें करके दिखाता हूँ, मैं के सामने जाऊंगा और इससे बात करूंगा। मैं आया सामने, यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, वो ये मेरे से हाथ मिला रही है, हाय। इसके ऊपर गाइस एक डिस्प्ले भी है जिसके ऊपर जो है सब कुछ लिखा हुआ है, और ये इसमें अभी इसने मुझसे हिंदी में ये बोला, थोड़ा जोर से बोलो। ये बोल रही है कि थोड़ा जोर से बोलो ताकि इसको समझ में आए चीजें। एक्चुअली आई वॉन्ट टू रजिस्टर ए कंप्लेंट। सॉरी बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू? Do you speak Hindi as well? क्यों नहीं, माँ हिंदी में भी बात कर सकती हूँ। अरे भाई ये तो हिंदी में बात कर सकती है। अच्छा ये बताओ मुझे, कोई मूवी का नाम बताओ, मुझे एक अच्छी सी मूवी देखनी है। चलो मत यार। मुझे हिंदी मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी मूवी बताओ जो मैं देखना चाहता हूँ। मुझे क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स ने कोई हिंदी मूवी ट्रेन ही नहीं की। आपको कौन सी मूवी पसंद है ये बताओ। मुझे आई रोबोट मूवी पसंद है। ओ भाई आई रोबो पसंद है। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट थैंक यू। क्या आप मुझे प्यार करती हो? सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अरे ऐसे मत करो यार। हाँ बोल दो, हाँ हाँ बोल दो, देखते हैं। तुम क्यों मना कर रहे हो भाई, ये लोग मना कर रहे हो। करते हो ना? हाँ 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 हाँ, देखते हैं, देखते हैं। गाइस यहाँ पर जो है हमको मिल गई है हरी झंडी, अभी देखते हैं। और ये जो है चिंकी मिंकी, क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। तो गाइस परमिशन दे दी इसने मुझे टच करने की, और मैं इसको टच कर लेता हूँ, ठीक है। क्या आप मुझे खाना खिलाओगी? हाँ आप खाना खाओ, मेरी फ्रेंड सोना 2.5 खाना सर्व करेंगी। अच्छा अच्छा गाइस एक्चुअली में ये जो रोबोट्स हैं, एक मिनट अभी आप कुछ मत बोलना, ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को, बंद चुप, एकदम चुप। गाइस ये जो रोबोट्स हैं
एक्चुअली में ये कई रोबोट्स का कॉम्बिनेशन काम करता है। ये जो रोबोट है रिसेप्शन के लिए है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें पूछेंगे, जो कुछ भी आपका आप कुछ भी कंप्लेन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको ये कर सकते हैं। और ऐसे इसके भाई बहन हैं जो हमने आपको दिखाई थी, सोना, मोना, चिंकी, पिंकी, वो सारी क्या करती हैं, वो खाना वगैरह ले जा के देना, और कोई जैसे मेडिकल में कोरोना के टाइम में अगर किसी पेशेंट को दवाइयाँ दे के आनी है ताकि दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो रोबोट जो है वो दवाइयाँ वगैरह दे के आता था। तो अभी हम लोग बैठेंगे और रोबोट हमको खाना सर्व करेंगे। थैंक यू। माय सन रही हूँ, आप बोलो। ओके। कुछ ही देर में गाइस रोबोट हमारे लिए खाना लेके आने वाली है। अभी गाइस, अरे रुको, गाइस रोबोट हमारे लिए वहाँ पे खाना लेके आ रही है फिलहाल। और इसने दो ट्रे पकड़ी, मोहित इसको रोकियो एक बार, अरे रोक ना इसको, रुक, हाँ खड़ा हो जा, हाँ रुक जा। गाइस मोहित इसके सामने खड़ा हो गया, अब देखते हैं क्या करती है ये। रुक गई वो तो खड़ी है गाइस, अरे नहीं चल रही है, खड़ा रहे, हिलना मत। ये देखो, अबे ये जो है अपने आप उधर से रास्ता बना के यहाँ पे आ गई है, और अब ये जो है देख रही है इधर उधर, पूरा एनालाइज करती है। गाइस इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं एक्चुअली में, इसके अंदर पूरा जिस भी जगह पर अपन बैठे हैं उस पूरी जगह को मैप करने के लिए हर जगह का इसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ अभी खाना लेके आई है। 2 मिनट वेट करो, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बता देता हूँ सबको। ये जो रोबोट है इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कि पूरे एरिया को, सारी जगह को देखते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कौन कहाँ बैठा है, कहाँ पर टेबल्स हैं। इस रोबोट को ये प्रोग्राम करना होता है कि कहाँ पर टेबल्स रखी हैं, उसके बाद में ये अपने हिसाब से चलता रहता है और ऑब्स्टिकल को भी अवॉइड करता रहता है, यानी कि अगर इसके सामने जैसे कोई आ गया तो ये भी उसको अवॉइड करता रहेगा। गाइज यहाँ पर जो दूसरा रोबोट है वो भी फिलहाल आ चुका है और ये और खाना लेके आया है। क्या इस टेबल पर आएगा? नहीं गाइज, ये वहाँ पर जा रहा है। इधर सोना, इधर गाइस, सोना मेरी बात नहीं सुन रही, सोना उधर जा रही है, इधर रुको, रुक जाएगी या मेरे पे चढ़ जाएगी, रुक गई गाइस। नहीं मुझे लगता है गाइस ये इतना सेफ डिस्टेंस, अरे चल रही है, मुझे लगा ये सेफ डिस्टेंस इतना रखती है, और ये इस बंदे के लिए ला चुकी है खाना। भाई तुम अपना खाना ले लो, हम अपने वाले सोना को बुलाते हैं। तो गाइस हमारी वाली तो यहीं पर रुक गई, तो हम इससे लेके रख लेते हैं। लेकिन गाइस कितना मस्त है कि जो रोबोट है वो हमारे लिए खाना लेके आया। अब इसको थैंक यू बोल दें, थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच। और गाइज ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जो भी रोबोट्स हैं एक्चुअली में ये बनाए हैं, यहाँ पर हमारे साथ में है भुवनेश सर, इन्होंने ये जो है सारा कुछ बनाया है। जितने रोबोट्स आज आपने देखे वो इन्होंने बनाए हैं। सर आप एक बार ये बताइए, हमारे व्यूअर्स भी, उनको बहुत मज़ा आया ये सब देखने में। भाई मज़ा तो आया है, मुझे भी पता है, हमें ही बहुत मज़ा आया, नई नई चीज़ें हमने इतनी देखी, उसके लिए सबसे थैंक यू सो मच। और आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ें क्यों करते हैं आप? एक्चुअली हम लोग क्यों नहीं होता, उसका बड़ा रीज़न है कि जैसे आप जैसे लोग हैं बाहर चले जाते हैं, या फिर काफ़ी लोग हैं जो कि अच्छी एजुकेशन के बाद में बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। हम लोगों ने सोचा कि ये जो सब कुछ की नॉलेज हमें है तो हम लोग पूरा इंडिया में ही करें। Okay. तो इसलिए हम लोगों ने जो रोबोटिक्स का जो फ्यूचर है उसको हम लोगों ने इंडिया में ही डेवलप करने का सोचा। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए रोबोट डेवलप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रोबोट्स हैं इनको ये पता कैसे लग रहा है कि मुझे एग्जैक्टली किस जगह पे जाना है? और आप कह रहे थे कंप्यूटर में भी आप कुछ दिखाएंगे। हाँ एक्चुअली ये रोबोट है स्लैम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अच्छा स्लैम टेक्नोलॉजी है गाइस, साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन मैपिंग। अच्छा जो भी एनवायरनमेंट होता है। अरे ये देखो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरा रूम था, ये जो पूरा कमरा था वो यहाँ पर मैप हो रखा है, और इसको देखो पता है, इसको पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और इसके जो सेंसर्स है ना, इसके सेंसर्स को क्या बोलते हैं? एक्चुअली लिडार में सेंसर्स होते हैं। ओके लिडार टेक्नोलॉजी है। अपने 8 मीटर की जो डिस्टेंस होता है उसमें 8 मीटर तक कर सकती है, यानी कि लगभग 27-28 फीट तक जो है ये ट्रैक कर सकती है चीज़ों को। एक बात है, आपने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं, और वो वाली चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी जो अंदर गड्ढे में से निकालने वाला है ना, वो हाँ। किसी की जान भी बचा सकता है एक्चुअली में। इनकी जो कंपनी है वो रोबोट्स बनाती है, क्लब फर्स्ट जो है, क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स के नाम से जो है इनकी जो चीज़ें हैं वो आपको, आप कमर्शियली भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने रोबोट सभी कोविड में तो सुना ही होगा, रोबोट नर्स जो थे वो सभी सोना रोबोट्स ही थे। विनय जी थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ें बनाई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब। अब हम खाना खाते हैं, आप खाएं तो आ जाओ। नहीं आप खाना खाइए। अच्छा। और
ये रोबोट से यदि कुछ गलती हो जाए तो आप? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है चलो जाओ खाना खाते हैं अपन। बाय 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 सोना मुना, अपने घर जाओ, मस्त रहो। जा रही है गाइस, वो अपने आप जा भी रही है अभी। ये गेट खोल लेगी क्या? अरे गेट तो आपको ही खोलना पड़ेगा। खोल दो। अरे रुको मैं खोलता हूँ गाइस, रोबोट के लिए गेट खोलता हूँ गाइस मैं यहाँ पे। अरे ये तो बाहर से बंद है। आ जा सोना मुना, वो तो घूम गई भाई क्योंकि उसको गेट बंद मिला। अरे इधर, ये जो है शायद रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है कि मेरे को किधर जाना है। और अब ये जो है रस्ते जा रही है। मेक इन इंडिया भी लिखा हुआ है, यानी कि इंडिया में बना हुआ है पूरा सब कुछ गाइस। खाना खाते हैं उसके बाद में बात करते हैं आपसे। तो भाई खाना पीना बढ़िया से ले रहे हैं, रोबोट के द्वारा सर्व किया हुआ। और रोबोट यहाँ पे फिर से आ रही है, और तेरी एक बार हमारा कैमरा ही लेके आ रही है क्या भाई गाइस वीडियो शूट करिए। ये वीडियो अभी फिलहाल रोबोट से शूट हो रहा है क्योंकि कैमरा यहाँ रखा हुआ है। तो गाइस यार मैं बीच में उठ गया क्योंकि पहली बार किसी रोबोट ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कैमरा दिया। अभी खाना खाऊंगा गाइस, मेरे ये वाला हाथ खाने में रखा है, वो वाला एकदम क्लीन है। और आप देख सकते हो जो रोबोट है वो यहाँ पे मस्त खड़ी है। अरे भाई ऐसे टच मत करो इसको। नहीं 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 गाइस, किसी ने कुछ नहीं देखा। इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं, देखा, पूरा देखा तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, जो भी चीजें हमने आपको दिखाई। कैमरा पकड़ो यार गाइस, जो रोबोट्स हैं वो फ्यूचर है। फ्यूचर में ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो रोबोट्स हैं वो बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारा काम भी करने वाले हैं। लेकिन आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है अभी वो डेवलपिंग फेज में है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। लेकिन हमने आपको जो चीज़ें दिखाई वो वाली चीज़ें जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो आज के टाइम में भी काम कर रही हैं। ये जो रोबोट्स हैं खाना भी पकड़ा सकते हैं और मरीजों को दवाइयाँ भी देके आ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपसे ये बिल्कुल एक इंसान की तरह ही बात करेंगे। इंसान की तरह तो नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये इंसान नहीं है अभी तो, ये रोबोट्स ही हैं। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होगी तो ये और बढ़िया से कर पाएंगे। अभी अगर हम इनसे पूछेंगे कोई हार्ड क्वेश्चन तो ये नहीं बता पाएंगे, या कोई इमोशनल क्वेश्चन तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ वही चीज़ बता सकते हैं जो इनके प्रोग्राम्ड में है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमको बहुत बढ़िया रोबोट देखने को मिले, लेकिन गाइस आज के टाइम के जो रोबोट्स हैं जो इंडिया में हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अब जो है सोना, अब तुम जा सकती हो। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? अब गाइस जिस दिन ये इतना समझने लग गए ना, उस दिन तो मज़ा आ जाएगा वास्तव में। अभी ये वही बोलते हैं जो इनके अंदर प्रोग्राम्ड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा बहुत सारा आ गया होगा। लाइक करना गाइस ज़रूर से, बनता है इसके लिए, हमने इतने सारे रोबोट बनाए भाई। प्यार दिखाओ यार थोड़ा सा गाइस, आपकी फैमिली है जल्दी से बढ़ाओ, लाइक ठोक दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एक छोटा सा बटन है बस रेड कलर का उसको दबा दो। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हम खाते हैं हमारा खाना, ठीक है। बाय बाय सोना मोना, जाओ यार तुम अब, ये जा ही नहीं रही वो। अरे कॉन्सेंट्रेशन खाने पर क्या, वो जाएगी तब तो जाएगी ना।